वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर डिसकंटिन्यू हो गया। बस यही रीज़न है, क्या होता है ना, ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ, घर में कोई ना कोई आ जाता है, तो बस मैं उसी में लग जाती हूँ एंड ब्लॉग भूल जाती हूँ। बस मेरा यही है, होता है ना कोई आ जाता है, तो उससे थोड़ा गप्पे मार लो, उनके साथ थोड़ा बैठ लो, तो भूल जाना होता है। एंड लंच भी मेरा बहुत ही हल्का सा आज बना था, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया तो दिखाया भी नहीं। और अभी हो चुका है शाम के 5, सुबह से आज मैं साड़ी पहन के बैठी हूँ। कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है ना चैत्र मंगलवार, सो वैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं हर ट्यूसडे को व्रत ही करती हूँ, एज ए व्रत ही माना जाएगा वो, क्योंकि हम सादा ही खाते हैं, बिना प्याज लहसुन के खाते हैं, पूजा करते हैं। पोणा बाहर नहीं दिया जाता है हमारी, वो मंगोड़ा, तो मंगोड़ा माँ को पूजा किया जाता है। तो बस मैं हर एक मंगलवार को करती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन ये जो चैत्र का स्पेशल मंगलवार है ना, तो जिन लोगों के घर में है तो स्पेशली पूजा किया जाता है, तो मैं तो वो सारा कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही मन किया तो साड़ी थोड़ा पहन ली थी। तो बस और क्या, सुबह से रेडी होकर बैठी हूँ, लेकिन ब्लॉग कुछ भी नहीं बना पाई, कुछ हुआ ही नहीं। एक 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 करके लोग आते रहे, तो बस मैं उसी में बिज़ी रह गई, मेरा यही हाल होता है बस, और कुछ नहीं। तो अभी हो चुका है शाम, और शाम के टाइम में चलते हैं, क्या कुछ बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होता है, लेट्स सी, देखते हैं। आप भी चलिए। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने में, ये एक बड़ा समस्या है ना, आप लोग बताना। हर एक हाउसवाइफ को एक बहुत बड़ी समस्या ये है, सुबह होते ही सोचो कि क्या खाने में बनाना है, शाम होते ही सोचो कि क्या खाने में बनाना है, बस इसी में हमारा दिन गुजर जाता है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, टिफ़िन में क्या बनाना है, बस यही सोचते सोचते ही हमारा दिन गुजर जाता है बस, और कुछ नहीं। तो नहीं, ये मैं सोचती हूँ ये सबकी हालत होगी या मेरी हालत है पता नहीं, लेकिन फ्रिज में अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स भी पड़ा है तो भी चिंता की क्या बनाएं, फ्रिज में वेजिटेबल्स नहीं है तो भी चिंता की क्या बनाएं, यही हर एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होगी आई थिंक। क्योंकि हम लोग जितना एसोसिएट्स हैं, मेरी जेठानी, मैं, ये सब बातें करते हैं, मेरी दीदी लोग ये सब बातें करते हैं, ये एक रोज़ की समस्या है कि क्या बनाया जाए। और हस्बैंड लोग से पूछो, कुछ भी बना लो, ये कुछ भी होता क्या है यार, सच्ची में कुछ भी होता क्या है। सो गाइस, हेलो अगेन, मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना थोड़ा सा मी टाइम दिया जाए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया जाए। अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली समर में, जैसे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही गर्मी देता है, बहुत गर्मी होता है, बहुत ही ड्राई स्किन है मेरा। एक मंगाया है, सिर्फ अभी एक मंगाया है, ये वाला वाओ का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, नाइट टाइम के मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा जेल। तो अभी मैं वाओ का मंगाई हूँ, वैसे मैं पतंजलि का यूज़ कर रही थी, तो पहली बार मैं वाओ का मंगाई हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे, देखते हैं, पूरा बॉटल ख़त्म होने दीजिए, अब तो थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है। तो नाइट टाइम के मॉइस्चराइज़र के लिए मुझे ये बहुत पसंद है। कोई भी चिपचिपा क्रीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चिपक जाता है, चिपचिप लगता है, इसलिए कोई भी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एज ए मॉइस्चराइज़र एलोवेरा जेल थोड़ा सा लगा लो तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्किन के लिए कुछ तो चाहिए होता है, क्योंकि एसी लगेगा तो ड्राइनेस और ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो बस ये लगा लेती हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई पाउडर, कॉम्पैक्ट, कंसीलर, फाउंडेशन, कुछ नहीं। देख सकते हैं पूरा क्लियर स्किन है, नो मेकअप स्किन है, मेरा स्किन ऐसा ही है, मेरा कलर ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। तो सोच रही हूँ कुछ लगाऊं, तो बहुत दिनों से स्क्रब नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन ली हूँ, और स्क्रब भी मैं चेंज कर करके करती हूँ,
कुछ फिक्स नहीं है मेरा। कभी चावल का आटा हल्दी दूध मिला लेती हूँ, कभी चावल का आटा बेसन दूध मिला लेती हूँ। हल्दी अभी गर्मी की वजह से या कुछ मुझे पता नहीं, अभी अभी मुझे जलन हो रही है। उस दिन एक फेस पैक बनाया था लेकिन बहुत जलन हुई हल्दी, इसलिए मैं रहने दे रही हूँ अभी हल्दी को। तो सिर्फ लिया है चावल का आटा और बेसन, और इसमें थोड़ा सा दूध, मलाई दूध थोड़ा सा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बस इतना ही स्क्रब कर लेंगे और एक पैक भी बनाऊंगी थोड़ा सा, और अपने आप को आज थोड़ा सा टाइम देंगे, पैम्पर करेंगे यार। तो चलिए बस ये लगाती हूँ और उसके बाद घर का काम करेंगे। बाहर बहुत शोर मची है, बच्चे खेल रहे हैं। आई डोंट नो लाइटिंग कैसी आ रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा लाइटिंग कम है क्योंकि उस तरफ लाइट है एंड इस तरफ खिड़की है, तो खिड़की का ही लाइट जितना ही होगा। खुद को पैम्पर करना वो समर में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं, पता नहीं किसका क्या है, मैं तो ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती हूँ, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ एक नेचुरल सा क्रीम भी नहीं लगा सकती हूँ, इतना गर्मी देता है मुझे, बहुत ही गर्मी लगता है। एंड मैं शायद दिन में 10-15 बार तो मुँह धोती ही होंगी, ऐसे ही साधा चिल वाटर से, ठंडा पानी से, नॉर्मल पानी से, फेस वॉश नहीं, फेस वॉश एक दो बार ही करती हूँ, ज़्यादा फेस वॉश करना भी अच्छा नहीं है क्योंकि स्किन ख़राब होगा, एंड सिर्फ साधा ही करती हूँ। इससे थोड़ा सा हम रब करेंगे, ऐसे ही लेट इट गो करने देंगे एंड थोड़ा सा रब करेंगे। हो गया मेरा, एक एक चम्मच ली हूँ, ये रह गया। मसाज करना, जितना हम मसाज करेंगे ना तो उतना ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ही आपके चेहरे का डेड सेल रिमूव होगा एंड नया सेल जनरेट होगा, न्यू सेल जनरेट होगा तो आपके स्किन ग्लो करेगा ऑटोमेटिकली। तो ग्लोइंग का सीक्रेट बस यही है, कोई भी प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं देता, बस हमारी जो सर्कुलर मोशन में हम जो इसे घिस रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लगा के ऐसे घिसेंगे तो ना वो ब्लड सर्कुलेशन जनरेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, डेड सेल रिमूव होता है, न्यू सेल जनरेट होता है, बस यही है फंडा और कुछ नहीं। ये क्रीम गोरा करता है, वो क्रीम गोरा करता है, कुछ नहीं करता गोरा। देखिए अभी पूरा ड्राई हो चुका है और 5 to 7 मिनट हो चुका है मैंने इसे स्क्रब करते हुए, रब करते हुए। तो इसे हल्के हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी देके और थोड़ा मैं मसाज करूँगी और इसे रिमूव कर दूंगी, वॉश कर लूंगी ठंडे वाटर से। तो मैं रिमूव करके आती हूँ कि मैं क्लीन करके आ चुकी हूँ, इट्स ऑलरेडी ग्लोइंग। उसके साथ हम लगाएंगे एक फेस पैक, क्योंकि जब हम स्क्रब करते हैं ना तो हमारे पोर्स ओपन होते हैं, तभी उसके बाद ही हम अगर कोई भी फेस पैक लगाएंगे तो वो फ़ायदेमंद होता है। तो पहले आप फेस वॉश कीजिए, फिर स्क्रब कीजिए, उसके बाद फेस पैक एक ज़रूर लगाइए जो आपकी आपको बेनिफिट दे। तो मैं यहाँ फेस पैक के लिए यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी मैं कब भी कुछ भी यूज़ करती हूँ, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है कि मैं यही यूज़ करती हूँ, चेंज कर कर के यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में फ़ायदेमंद होता है जो हमारे घर में मिलता है और हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ लिया है हाफ चम्मच कॉफ़ी लिया है एंड एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करूँगी और इसका एक फेस पैक। टर्मरिक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब बताया कि मेरा स्किन में जलन हो रहा है अभी पता नहीं क्यों हल्दी लगाने से, तो नहीं तो हल्दी भी आप लगा सकते हैं, टर्मरिक भी अच्छा होता है, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून हम एलोवेरा जेल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, कॉफ़ी और एलोवेरा जेल को अच्छे से मिला लेंगे, पैक बना के चेहरे पे लगाएंगे। और ऐसी पैम्परिंग हफ्ते में एक बार तो करनी ही चाहिए अपने आप को, पार्लर नहीं जा सकते बार बार, मैं तो नहीं जाती,
मैं सीधा बता देती हूँ, पार्लर में ये सब करना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं मुझे लगता है फालतू का खर्च है स्किन के लिए इतना कुछ करना। यार घर पे ही यूज़ करो, घर पे भी सब कुछ है, मिल जाता है करने के लिए। तो पार्लर में मैं सिर्फ जाती हूँ थ्रेडिंग करने एंड हेयर कट करने, जो कि एक साल से, लगभग एक साल हो चुका है मैं नहीं गई हूँ। लास्ट मार्च या फेब में गई थी, उसके बाद लॉकडाउन हुआ एंड कोरोना एंड ऑल, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ अभी थोड़ा जाऊँगी हेयर कट करूँगी, क्योंकि हेयर का पूरा झाड़ू हो रखा है, तो थोड़ा सा हेयर कट करके आएंगे बस। तो ये हम रखेंगे 10 to 20 minutes, ऐसे सूखने देंगे एंड इसके साथ घर का कुछ काम भी कर लेंगे। तो देख सकते हैं ऐसे कुछ भूत की तरह दिख रहे हो, तो कुछ नहीं, इसे लेट इट ड्राई होने देंगे एंड बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं, क्योंकि हंसेंगे तो इसका रिंकल्स निकलेगा, तो हंसेंगे नहीं और घर का कुछ काम कर लेंगे। बर्तन सारा ऐसे पड़ा हुआ है, धो के रखा है, तो सारा कुछ तय लगा लूँगी। उसके बाद आटा गूंथते हैं, शाम हो चुका है। उसके बाद दिया बाती करेंगे, शाम हो चुका है, दिया बाती भी करना है। तो ये जब तक सूखता है तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। बाद भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ही सूख चुका है। इतना ड्राई होने तक हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से, मैं तो ठंडे पानी से ही धोऊंगी, तो मैं वॉश करके आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। सो शाम के बाद चेहरे धोने के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई, तो चेहरा नहीं दिखाया था आपको, तो दिख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है। तो ये तो 2-3 दिन में एक बार एक्चुअली करना चाहिए, लेकिन मैं हूँ थोड़ी आलसी, तो स्किन केयर करना मुझे आलस लगता है। जब याद आ जाता है स्किन डलनेस लगने लगता है तो तब याद आता है स्किन केयर करना। तो बस, लेकिन नाइट टाइम स्किन केयर मैं ज़रूर करती हूँ, एलोवेरा जेल ज़रूर लगा के ही सोती हूँ, ड्राई स्किन को हाइड्रेटेड करने के लिए। तो बस अभी मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी और सोने जा रही हूँ। बस हो चुका है सारा काम ख़त्म, तो मिलते हैं कल नए से फ्रेश से ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।